बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आपका खुश आमदीद इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। यह आपकी मेथोडोलॉजी चैप्टर का एक क्वेश्चन है, टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। इसमें पहला हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन हुआ बारीकी से देखना, गौर से देखना किसी चीज़ को। जब हम गौर से देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, बड़े सही तरीके से देखते हैं, बड़े गहराई से देखते हैं, तो उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और ऑब्जर्वेशन रिसर्च में कैसे की जाती है? रिसर्च ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, जिस सैंपल को, जिस सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को या सेट ऑफ दिस इंडिविजुअल्स को हमने ऑब्जर्व करना होता है, उन उसको हम बारीकी से देखते हैं, उसका ओवर्ट बिहेवियर, उसका एक्सटर्नल बिहेवियर देखते हैं, जांचते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट इज़ ए टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन। ये डाटा कलेक्शन जमा करने का, डाटा जमा करने का एक तरीका है, दैट इन्वॉल्व द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फेनोमेना। जो फेनोमेना, जो चीज़ हमने देखनी होती है, जिस प्रोसेस को हमने देखना होता है, जिन इंडिविजुअल को हमने ऑब्जर्व करना होता, उनको हम देखते हैं डायरेक्ट इन दियर नेचुरल सेटिंग। वो अपने तरीके से काम करते, और जो ऑब्जर्वर होता, जो रिसर्चर होता, वो खुद उनको नेचुरल सेटिंग में ही जांचता है, परखता है, ऑब्जर्व करता है। इन दिस मेथड रिसर्चर यूज ऑल दियर सेंसेस टू एग्जामिन पीपल इन दियर नेचुरल सेटिंग और नेचुरली ऑकरिंग सिचुएशन। जो भी नेचुरली ऑकरिंग सिचुएशन है, वो बिहेवियर दिखाते हैं, उनको रिसर्चर बड़े अच्छे से देखता है। सो ऑब्जर्वेशन इज द प्रोसेस इन विच वन आर मोर पर्सन ऑब्जर्व एंड सी वॉट इज ऑकरिंग इन द रियल लाइफ सिचुएशन। यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा भी ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा भी रिसर्चर्स हो सकते हैं, तो वो देखते हैं जो उनको देखना होता है, सेट ऑफ पीपल को या सेट ऑफ थिंग्स को उनको जो देखते हैं, तो उनको रियल लाइफ सिचुएशंस में रियलाइज करते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं एंड क्लासिफाई, और वही बिहेवियर वो क्लासिफाई अपने वो रिपोर्ट करते हैं, वो लिखते हैं एंड रिकॉर्ड पर्टिनेंट हैपनिंग्स। जो चीज़ें उनको ज़रूरत होती है, वो नोट डाउन करते हैं, जॉट डाउन करते हैं अपने इसमें, अकॉर्डिंग टू सम प्लान एंड स्कीम। ये कोई हैफजर्ड मैनर में नहीं होता है, ये एक प्लान होता है, इसमें एक प्लानिंग होती है, हमने क्या कैसे करना है, कौन से पीपल हमने देख रहे हैं जो उनको ज़रूरत है, क्या देखना है और कैसे ऑब्जर्व करना है। इट इज़ यूज टू एवाल्वेट द ओवर्ट, OVERT, ओवर्ट मीन्स एक्सटर्नल बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर एंड इवेंट्स इन कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड सिचुएशंस। ये हम कंट्रोल्ड सिचुएशंस में भी कर सकते हैं, अनकंट्रोल्ड कहीं पे हम सेटिंग्स खुद करते हैं कंट्रोल्ड सिचुएशंस में, कहीं पे अनकंट्रोल नेचुरल सेटिंग में ही हम देखते हैं। ऑब्जर्वेशन इज नाइदर हैफजर्ड नॉर अनप्लान। ये कोई अनप्लान प्रोसेस नहीं है, कोई अनप्लान फेनोमेना नहीं है, कोई अनप्लान टेक्निक नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल एक प्लानिंग होती है। ऑब्जर्वेशन में भी आइदर पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी। इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर बिकम्स पार्ट ऑफ द ग्रुप। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, वो एक उस ग्रुप का हिस्सा बनता है जो इसको देखना होता है, जिनको जिनके ऊपर इनको रिसर्च करनी होती है, जिनके बारे में इनको मालूम हासिल करनी होती है, वो पार्ट ऑफ द ग्रुप बनता है, मगर अनकॉन्शियसली वो नहीं जानते हैं कि हमें ऑब्जर्व करता है। वाइल इन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर पार्ट ऑफ द ग्रुप नहीं बनता है, ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता है, वो दूर से ही चोरी से उस ग्रुप को देखता है जिसके बारे में इसको ये डाटा कलेक्ट करना होता है। सो इट वाज टुडे, इट वाज वी वर डिस्कसिंग ऑब्जर्वेशन मेथड भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा कलेक्शन टेक्निक इन द सोशल रिसर्च।
So we discussed that. Tomorrow we shall come up with some more interesting topic till then.